गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? और सभी लोगों का वेलकम है। और आज ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 12:15 हो गए हैं, 12 बजने वाले हैं। 12:15 से ज़्यादा हो गया, 10 मिनट हैं 12 बजने को। और मैंने आज साड़ी डाली है, ये वाली येलो कलर वाली। और मुझे इतना भी फुर्सत नहीं है सुबह से लेकर कि मैं अपने बालों पर कंघी लगाऊँ या कानों में, तो मैं कुछ डालती नहीं हूँ घर में। बस जब नहाई थी तो लिपस्टिक लगा ली थी, बिंदी लगा ली थी और लगा ली थी थोड़ा सा काजल। और कंघी लगाने की फुर्सत नहीं, बाकी की फुर्सत नहीं। तो पीयू का एग्ज़ाम था लास्ट, वो वाला हो गया है। और वो आज आप लोगों के साथ शेयर करेगी कि उसने ड्राइंग में क्या क्या बनाया और खुद से बनाया उसने। कल पूरे दिन से वो प्रैक्टिस कर रही थी कि मेरा जो ड्राइंग में आएगा मैं खुद से बनाऊँगी। और बहुत खुश है कि मैंने अच्छे से बनाया। बाकी मैम को कैसा लगेगा वो तो मैम ही जाने। और अभी बाकी के तो हो गए हैं काम, बस किचन का रह गया था। किचन में स्लैब साफ करना, बर्तन तो मैंने धो लिए थे, तो मैंने सोचा किचन का मैं लास्ट में करूँगी खाना बनाने के बाद, क्योंकि किचन की अच्छी तरह से क्लीनिंग नहीं की काफ़ी टाइम से। तो अभी फ़िलहाल पहले बना लेती हूँ दाल चावल रोटी। तो दाल मैंने अरहर की दाल है वो बॉयल कर रखी है, एक सीटी लगाई उस पर, उसको छोंक लगाती हूँ, आटा गूंथती हूँ और रोटी चावल जो भी बनाऊँगी खाना बना लूँगी। उसके बाद फिर आराम से करूँगी। किचन में ज़्यादा टाइम लगेगा डीप क्लीनिंग में, तो हस्बैंड ने अभी हॉस्पिटल जाना है तो इसलिए मैं पहले जल्दी जल्दी पहले खाना बना लेती हूँ और फिर उसके बाद काम करती रहूँगी। बीच बीच में आप लोगों से मिलती रहूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, दाल को मैंने एक सीटी लगाई थी, ये है अरहर की दाल। और टमाटर प्याज मैंने कट करके रखा था और लहसुन अदरक और हरी मिर्च का मैं अभी पेस्ट बना लूँगी। इसको मैं सिलबट्टे में ही पीसती हूँ और किचन गैस स्लिप आप देख सकते हैं, मैंने सुबह साफ़ नहीं किया था, तो इसको मैं खाना बनाने के बाद ही अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। पहले जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी। तो यहाँ पर आटा भी मैंने लगा लिया है और इसको ढक दूँगी। और दाल यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ तो इसमें मसाले मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं, तो इसकी अच्छी ग्रेवी बन गई है। और इसमें अब मैं दाल को डाल दूंगी जो कि कुकर में मैंने उबाल के रखी है। यहाँ पे अच्छी तरह से पक गए हैं मसाले और उसके बाद रोटियाँ बनाती हूँ, उसके बाद फिर लास्ट में बनाऊँगी चावल। तो इसमें जो टमाटर है तो इसको मैं अच्छी तरह से करछे से, जो इसमें ज़रा भी छिलके ना दिखे तो ऐसे मैश कर लूँगी, क्योंकि बच्चे लोगों के पास इतना सा भी टमाटर का छिलका गया तो वो खाते नहीं हैं। तो इसमें मैंने अरहर की दाल डाल दी है और यहाँ पे दाल बन गई है मेरी। थोड़ी देर इसको और एक उबाल आएगा उसके बाद मैं गैस बंद कर दूँगी और उसके बाद बनाती हूँ रोटी। तो यहाँ पे बना रही थी मैं रोटी और किचन थोड़ा छोटा है और यहाँ पे फ़ोन को रखने का सही नहीं है ट्राइपॉड लगाने के लिए, तो मैंने रूम में रखा था, नहीं शायद गौरव के पास था फ़ोन। और रोटी अभी बन गई है और यहाँ पे मैं कर रही हूँ चावल साफ। दाल बन गई, रोटी बन गई और अभी बनाऊँगी चावल। और उसके बाद मुझे बहुत अटपटा लगता है जब तक किचन साफ नहीं किया, तो आज अभी तक किचन साफ नहीं किया मैंने। आजकल बरसात का मौसम है तो वैसे तो चावल में कुछ कबाड़ा नहीं रहता है, वैसे मोटा मोटा देख लेते हैं, लेकिन आजकल बरसात के सीजन में जो है ना एक एक चावल करके, क्योंकि दालें चावल कुछ भी इसमें कीड़े हो जाते हैं, तो अच्छे ढंग से देखना पड़ता है और मेरा इतना टाइम लग जाता है, बारीकी से देखना पड़ता है कि काफ़ी टाइम से रखी हुई राशन है तो उसमें बारीक कीड़े से हो जाते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखना पड़ता है। और इसको मैं छान लेती हूँ, इसमें दाल पता नहीं कहाँ से गिरी, काली दाल उड़द की होती है, बहुत सारी इसमें गिरी हुई है। चावल साफ करके मैं चावल बना लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को साड़ी में हैंकी टक करके दिखाऊंगी, तो तब तक बने रहिए। सो फ्रेंड, पीहू का है आज ड्राइंग का एग्जाम और ये उसकी ड्राइंग की बुक है। उसको उसको चार चित्र बनाने हैं, जो मैम ने 6 दे रखे हैं, 6 में से उसने 4 बनाने हैं। तो पहला वो बना रही है पीकॉक, तो इस ड्राइंग बुक से देख के बना रही है अपनी फाइल में। तो ये देखिए पीकॉक, तो इसको बहुत अच्छे से आ गया बनाना। वाह पीहू, बहुत अच्छा बना रही हो बेटा। और अभी इसके बाद ये कलर करेगी और उसके बाद दिखाऊंगा।
इस पे ऊपर, सबसे ऊपर जो है बाद में अपना नाम, रोल नंबर। मुझे ऐसे नहीं आते पर जैसा आ रहा वैसे बनाओ, जैसे आ रहा। ये देखो कितना अच्छा है। हाँ वो थोड़ी बनाने हैं, सिर्फ पिकॉक बनाने हैं। काफी पिकॉक बनाना, ये नहीं बनाने, ये साइड के ये नहीं बनाने हैं, बस इनको नहीं बनाना है, सिर्फ ये बनाना है पिकॉक्स, और इस पे कलर इट करना है। टेढ़ा क्यों दिख रहा है? आपने तेरा मतलब इस तरफ से तो सही है, इस तरफ से थोड़ा और नहीं होना चाहिए मैं था? बता दूंगी उससे तेरा हाँ इस तरफ से तो खूब है, इसके पंख फैले हुए ना, ठीक। लेकिन यहाँ पे ये जो है यहाँ और यहाँ तक होने थे, जैसे यहाँ है ना फैले हुए पूरे, इस तरफ से थोड़ा कम है, तो इसको छोटा सही करना, है। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। अरे और खाली बना एक दिया, फ्लैग बनाया है। अब मैं ये बना रही हूँ अब क्या बनाओगे? ये। फ्लावर पॉट हाँ तो बनाओ, पहले सारे बना लो सारे ड्राइंग, उसके बाद कलर करना है। और पिकॉक में भी थोड़ा और काम है। कलर बाद में करना, पहले पूरे बना लो, तब तक मैं बर्तन, वरना दिखा हाँ दो बर्तन उसको। साफ करती मैं और पोछा लगाती, ठीक है? और मुझे आवाज़ मत लगाना, मैं भी अपना काम करूँ और आप भी अपना काम करो। ओके वाह, बना फ्रेंड्स बना को सबको दिखाना, ठीक है? दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पे बन गई है पीयू की ड्राइंग। एक मिनट लाइट को यहाँ पे ऑन, लाइट को ऑफ करो। प्रांसी थपियाल नंबर 21। अच्छा आप करोगे आप कलर कलर पिकॉक? और क्या क्या बनाया? पिकॉक तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पिका देखिए फ्रेंड्स ये मैंने बनाया है। अगर आपको मेरी ड्राइंग अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना, बेल आइकन को दबा देना। ये है हैंकी, इसको मैं टक करूंगी अपनी साड़ी में। और अभी दोपहर का टाइम है और ये वीडियो मैं अभी अपलोड करूंगी, आज मेरे पास कोई वीडियो नहीं है। और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड कर लूंगी। अभी सबने लंच कर लिया है, खाना खा लिया है, उसके बाद थोड़ा सा मैं फ्री हुई। फ्री क्या, अभी तो मैंने बर्तन साफ नहीं किए हैं, मैंने सोचा पहले मैं ब्लॉग बना लूँ उसके बाद बर्तन साफ करती हूँ, जब तक वीडियो एक्सपोर्ट होती रहेगी। इस तरह से इसको नॉर्मली इस तरह से टक कर सकते हैं हम। वैसे मैं जाती हूँ ना कहीं तो मैं इस तरह से हैंकी टक करके नहीं जाती हूँ, मैं तो या तो अपने पर्स में ले जाऊँगी या जो भी मेरे पास हैंड बैग रहेगा, जब मैं कहाँ कहीं जाती हूँ साड़ी पहन के तो मैं इस तरह से नहीं टक करती हूँ। लेकिन अच्छा लग रहा है और ये वाली तो मैच भी कर रही है मेरी साड़ी की बॉर्डर से हैंकी। गर्मी बहुत हो रही है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बनाती हूँ मैं। बेटा थोड़ा आवाज़ कम कर लो, 2 मिनट, 2 मिनट के लिए मेरा आ जाएगा, नहीं तो कॉपीराइट। इस तरह से टक करूंगी मैं। पता नहीं चल रहा है ना, नहीं दिख रही है। और एक जो ये है तो इसको ऐसे ही, पहले से ये 3 त्रिकोणीय बने हुए हैं, इसको फिर बीच में से फोल्ड कर लेंगे और अब बना देंगे हम गन टाइप में, इस तरह से। गौरव खेलता था पहले बहुत बार इस तरह से, जब छोटा था तो गन बना के। और इस तरह से मैं टक कर ली और इसको ऐसे पल्लू से छुपा लिया और पता भी नहीं चल रही कि हमने हैंकी टक की हुई है। और हम चाहें कि हम हैंकी टक भी करें, हम कहीं जा रहे हैं अपनी साड़ी में और पता भी नहीं चले कि हमने हमारे ऐसे हैंकी टक करके रखी थी। हम इसे छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी इसको इस ऐसे भी रख सकते हैं और इसको और एक फोल्ड करके, और हम बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ टक करके इस तरह से रख सकते हैं, तो ये बाहर नहीं लटकेगी साड़ी में ना इस तरह से, तो ये अंदर ही रहेगी बाहर नहीं लटकेगी और इस तरह से पता भी नहीं चलेगा कि हैंकी है।
कहीं जा रहे हैं तो जैसे गर्मियों में आजकल ही है तो पसीना हो रहा है, तो ऐसे निकाले और अपना पसीना साफ किया और उसके बाद इसको इस तरह से, और ये बाहर भी नहीं लटकती है और पता भी नहीं चलता कि हैंकी टक्कर रही है, तो ये वाला भी बिल्कुल अच्छा वाला आइडिया है। और हमें चाहिए कि थोड़ा बाहर की तरफ हम हैंकी को रखें और इसका कुछ अच्छा सा लुक आए, तो इस तरह से भी या किसी भी तरह से रख सकते हैं, और अगर बाहर हैंकी को दिखाना है तो इस तरह से रख सकते हैं, अगर छुपाने हैं तो इस तरह से, पता भी नहीं चलेगा। और एक ये है, एक बार इस तरह से देखती हूँ मैं। वैसे मैंने आज तक कभी हैंकी टक नहीं किया साड़ी में, रियल में भी, वीडियो में भी नहीं और रियल में भी मैंने कभी नहीं किया। तो देखिए कुछ फ्रेंड्स लोगों की वीडियो इस तरह से, इसकी बनाएंगे हम इस तरह से प्लेटें। ऐसे प्लेटें बनाएंगे और जो कॉटन की हैंकी होती है ना, इनमें थोड़ा प्रेस करनी पड़ती है तो इससे अच्छी तरह से ये सेट हो जाती हैं, प्रेस ना करें तो ये जैसे खड़े से हो जाती हैं। इस तरह से प्लेटें बना करके और इस तरह से देखिए ये थोड़ा खड़ा हो रहा है, इस तरह से रहेगा ये ऐसे। और नॉर्मली तो लोग इस तरह से रखते हैं, इस तरह से नॉर्मली से, और पता भी नहीं चलेगा कि हैंकी, मेरी साड़ी थोड़ा पतली है इसलिए यहाँ से दिख रही है। बाप रे गर्मी इतनी हो रही है। तो चलिए गाइज आज की वीडियो इतनी ही थी, आप लोगों को पसंद आई तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना, ये देखिए 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 कौन आ रहा है यहाँ पीछे से, बताना कि कैसी लगी वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक कर देना और जो लोग फर्स्ट बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।